विलंब कर देते हैं। नमस्कार, मैं हूं रवि रंजन, आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज लाइव। आप जुड़ गए हैं विमर्श न्यूज के फेसबुक लाइव से, क्षमा करेंगे, 5 मिनट थोड़ी तकनीकी गड़बड़ी के कारण ये विलंब हुई है, उस विलंब के लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। हालांकि ये जो हमारे फेसबुक लाइव का पेज से जो जाना चाहिए था वो उसके आईडी से लाइव हो गया, तो कुछ लोगों ने शायद उसको देखा भी होगा। पर एक बार फिर से हम इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं इस क्षमा याचना के साथ कि कुछ तकनीकी गड़बड़ी के कारण ये फेसबुक लाइव 5 मिनट देरी से शुरू हो रहा है। आपसे आग्रह है कि जुड़ जाइए हमारे इस फेसबुक लाइव से, समय समय पर आप अपना कमेंट जो है हमें देते रहिए, आपके महत्वपूर्ण कमेंट से हम और मजबूत बनते हैं। दिन भर की 5 बड़ी खबरों के साथ हर रोज शाम को 5 बजे हम फेसबुक लाइव से जुड़ते हैं। आज खबरों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक अतिथि के तौर पर विशेष व्यक्ति हमारे साथ मौजूद है, इंजीनियर राजकुमार पासवान जी, जो हाजीपुर लोकसभा सांसद से पिछली बार 3 बार से वो सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं और तीसरे स्थान पर, चूँकि वहाँ रामविलास पासवान जी का वो क्षेत्र रहा है और पिछले बार पशुपति पारस शायद वहाँ से लड़े, तो राजकुमार पासवान जी उनके ठीक बाद वोटों में हम कह सकते हैं कि उनकी संख्या उनके ठीक बाद थी। तो एक महत्वपूर्ण व्यक्ति, राजनीतिक कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर राजकुमार पासवान जी की अपनी पहचान है और दिल्ली विश्वविद्यालय के चूंकि छात्र हैं तो हर विषयों पर उनकी पकड़ अच्छी है, वो बातचीत अच्छी करते हैं। आज खबरों पर चर्चा करने के लिए राजकुमार पासवान जी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत नमस्कार, बहुत धन्यवाद आपका हमारे स्टूडियो में आप आए। बढ़ते हैं पहली खबर की ओर। जैसा कि मैंने पहले बताया कि कोरोना अपडेट को लेकर ही चलते हैं, तो पहली खबर के तौर पर कोरोना ही रहता है। बिहार में कोरोना की गति थोड़ी थमी है, महामारी ये संकट जो है थोड़ा थम गया है। पिछले 24 घंटों में 54 लोग मिले हैं जो नए केस आए हैं और कुल 669 एक्टिव केस बिहार में है। पिछले 24 घंटों में एक भी व्यक्ति के मरने की खबर नहीं है, पर देश में डराने वाली तस्वीर अभी भी है। कुल 29,420 लोग एक्टिव केस मिले हैं, 374 लोगों की मौत पिछले 24 घंटों में देश में हुई है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि टीका लेने के लिए बिहार में मारामारी है। तो प्रतीक के तौर पर ये जो मास्क मैंने बताया, इसलिए मैंने आपको कहा कि कोरोना गाइडलाइन का पालन करें, कोरोना अभी गया नहीं है, कोरोना के साथ जीने की आदत डालनी होगी। तो जब तक कोरोना खत्म नहीं होता है और संपूर्ण टीकाकरण नहीं हो जाता है तब तक मास्क लगाना बहुत जरूरी है, समय पर हाथ धोना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, ये सब जरूरी है। तो अभी चूंकि प्रतीक के तौर पर हमने ये पहन रखा था, स्टूडियो में हम लोग पूरी तरह से सैनिटाइज हैं, हमने टीका भी ले रखा है, तो ये मास्क कुछ देर के लिए हम आपसे बातचीत करने के लिए उतार रहे हैं। लेकिन आपसे आग्रह है कि देश में कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, वो है, इसलिए डरने की जरूरत है। अभी हम राजकुमार पासवान जी से यह चर्चा शुरू करें कि बिहार में पिछले तीन दिनों से 7 जिलों में टीकाकरण जैसे थम सा गया है, कोवैक्सीन नहीं है, कोविशील्ड कुछ लोगों को मिल पा रहा है जिनको सेकेंड डोज लेना है, तो ऐसी मुश्किल में जबकि बिहार के स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि अगले 15 दिनों में हम पूरी पुख्ता व्यवस्था कर लेंगे कोरोना के थर्ड फेज से निपटने के लिए, आपको लगता है निपट जाएंगे ये? देश में सम्माननीय प्रधानमंत्री महोदय नरेंद्र मोदी साहब जुमलेबाजी में नंबर 1 है, फेंकने में नंबर 1 है, और बिहार में अगर कोई फेंकने वाला है तो उनका नाम है मंगल पांडे जी। हाँ। तो स्वास्थ्य व्यवस्था को उन्होंने चौपट कर दिया है और बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल खराब हो चुका है, लेकिन उनके और उनके परिवार का और भाजपाइयों का स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक हो चुका है। आपको बता दें कि जहां तक कोवैक्सीन का मामला है, कोरोना काल में कोवैक्सीन पर्याप्त रूप में किसी जिले में नहीं है और ये लोग बड़े बड़े दावा कर रहे हैं कि सभी को कोवैक्सीन किया जा रहा है, वैक्सीनेट किया जा रहा है, सभी को मुहैया करा जा रहा है, लेकिन ऐसा कहीं नहीं है। कुछ जो सेंटर हैं 24/7 और 30 डेज का, जो उसमें भी बहुत सारी कमियां हैं। और रही बातें कि इनका स्वास्थ्य व्यवस्था, बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था का इतना दयनीय हालात है, बाहर दूसरे जिला का मैं बात नहीं करूंगा, पटना में कल मैं अपने क्षेत्र संसदीय क्षेत्र के कुछ लोग एडमिट है वहां, उनको मैं गया था मेडिकल हेल्प के लिए, मैं वो नजारा देख के आया हूं कि आंख से आंसू आ गया मुझे। सर्जरी डिपार्टमेंट का बता रहा हूं मैं कि नीचे लेटा करके फर्श पे, बेड भी नहीं, नीचे लेटा करके और उनको पानी चढ़ाया जा रहा है और मेडिसिन दिया जा रहा है, लेकिन
मंगल पांडे जो दावा करते हैं कि पीएमसीएच विश्व का आधुनिकतम है, अस्पताल नंबर वन आधुनिकतम, लेकिन इस स्थिति में मैं कह रहा हूं कि विश्व के क्या इस देश में सभी राज्यों को कंपेयर करें तो बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था सबसे अंतिम पायदान पे है, क्योंकि न वहां पे बेड है, न मेडिसिन है, ये न ही ऑक्सीजन, तो ये हालात है। तो ये सबसे बड़ी जरूरी है कोरोना काल में कोवैक्सीन की जो सरकार के द्वारा अभियान चलाए जा रहे, इस अभियान को सही ढंग से सरकार को देखना चाहिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति, हर एक जनता की जीवन का सवाल है, लाइफ का, लाइफ सेविंग का सवाल है। अगर ऐसे में मजाक करेगी सरकार तो जनता के साथ खिलवाड़ होगा। एक और बात बहुत महत्वपूर्ण बात है, आज ही मंगल पांडे ने यह कहा है कि अगले 15 दिनों में बिहार में थर्ड फेज से निपटने के लिए सरकार पूरी तरह से कमर कस के तैयार हो जाएगी और सारी व्यवस्था दुरुस्त कर ली जाएगी। जैसा कि पहले भी हम लोगों ने यह खबर दिखाई थी कि बिहार के 533 पीएचसी को 30 बेड वाला सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल बनाने की का ऐलान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया था, लेकिन जैसा कि राजकुमार जी कह रहे हैं कि पीएमसीएच की जब ये दुर्दशा है तो पीएचसी जो प्रखंड मुख्यालयों पर जो स्वास्थ्य केंद्र हैं उनकी क्या दशा होगी, ये जग सर मैंने कल भी वीडियो भी वायरल किया, वहां से रिकॉर्डिंग करके वीडियो को भी मैंने वायरल किया है। बिल्कुल, तो ये 35 बेड वाला अस्पताल कब बनेगा बिहार के 533 पीएचसी को, जैसा कि इन्होंने कहा नहीं रहा, जमीन पर उनका इलाज हो रहा है, कोरोना के गाइडलाइन भी फॉलो नहीं किए जा रहे, जिस दिन डिपार्टमेंट का ये विजिट होता है हेड ऑफ डिपार्टमेंट का, उस दिन बेडशीट बिछाए जाते हैं जिसको बेड अलॉट है। ये हालात है पीएमसीएच का, जब कोई आने वाला रहता है तब ये होता, ऐसे बेडशीट नहीं मिलता। तो बिहार की जर्जर स्वास्थ्य व्यवस्था कब सुधरेगी, और ये स्वास्थ्य मंत्री से सीधा सवाल है। मंगल पांडे पिछले 5 साल भी यही स्वास्थ्य मंत्री थे और इस नई सरकार में भी स्वास्थ्य मंत्री वही है, लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्था जिस तरह से चरमराई हुई है, मंगल पांडे को इस पर विचार करना चाहिए, उनको सोचना चाहिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आज देश की सबसे बड़ी खबर यही है कि पेगासस की आग आज संसद में भी देखने को मिली। संसद के दोनों सदनों में पेगासस कांड जो है, जासूसी कांड, फोन टैपिंग कांड, उसको लेकर जोरदार हंगामा हुआ और दोनों सदनों में कार्यवाही दोपहर के लिए पहले स्थगित किया गया, लेकिन बाद में हंगामा थमा नहीं तो आज दिन भर के लिए स्थगित किया, वरने कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। विपक्ष की ये मांग थी कि सरकार इस पर जवाब दे। विपक्ष ने किसानों के आंदोलन, महंगाई, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत को लेकर जोरदार हंगामा किया। मुख्य तौर पर ये पेगासस का जो सॉफ्टवेयर, पेगासस जो इसराइल का एक सॉफ्टवेयर है जो व्हाट्सएप के जरिए फोन टैपिंग का काम करता है और आपके मोबाइल को, आपके सॉफ्टवेयर को उसको हैक कर लेता है, ऐसा आरोप है। ये वाशिंगटन पोस्ट, राइटर्स और द गार्जियन, इन तीन मैगजीन ने अपनी रिपोर्ट छापी है, यूएस से भी, ब्रिटेन से भी और राइटर्स ने भी छापा है। उसमें एक रिपोर्ट छपी है कि भारतवर्ष में कई अभी के मौजूदा 3 मंत्री, 2 पूर्व मंत्रियों, कोई विपक्षी दल के नेता और 40 से ज़्यादा पत्रकारों के फोन टैप हो रहे हैं, उनका पूरा सॉफ्टवेयर हैक किया गया है और उनकी जासूसी की जा रही है। इसी आरोप पर आज सदन में जोरदार हंगामा हुआ और सदन की कार्रवाई आज भी हंगामे की भेंट चढ़ गई। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री ने बाहर निकल के ये कहा, आज सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले बीजेपी के संसदीय दल की बैठक हुई, इसमें प्रधानमंत्री ने उन्हें संबोधित किया और कहा कि कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां झूठ का प्रचार कर रही हैं, इसलिए हमें लगातार सच बोलना चाहिए और सच बोल बोल कर इस झूठ का हमें प्रतिकार करना चाहिए। आज शाम को 6 बजे, आपसे थोड़ी देर के बाद ही, एक वहाँ सदन के, संसद के गैलेक्सी हॉल में वो होने वाला है, एक कोरोना पर लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, महामारी संक्रमण को लेकर, वैक्सीन को लेकर, वैक्सीनेशन को लेकर एक बैठक, सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है जिसमें कुछ प्रेजेंटेशन भी होना है। लेकिन ये खबर मिलते ही विपक्षी पार्टियों ने कहा कि प्रधानमंत्री को जो कुछ भी बोलना है वो सदन में बोले, बाहर वो उनकी कोई कुछ नहीं सुनेंगे, लेकिन सदन में भी प्रधानमंत्री की कोई नहीं सुन रहा, ये हैरान करने वाली बात है। पासवान जी, आपको क्या लगता है, ये सदन की कार्रवाई रोज रोज दोपहर तक ही चलती है, चलती ही नहीं, लोग तो प्रधानमंत्री की नहीं सुन रहे? बहुत हुआ मोदी साहब का डर, अब जो विपक्ष है इनको भगाने की तैयारी कर चुके हैं, कसम मतलब कमर कस चुके हैं, और आदरणीय सम्मानीय देश के जो प्रधानमंत्री महोदय हैं
जो हर एक एजेंडे को कोविड पे ला करके और उसको दूसरे डायरेक्शन में भेजना चाहते हैं, इसलिए अब प्रधानमंत्री जी के सदन में नहीं चलेगी। विपक्ष का जो काम है, जो लगातार लोग कहते थे कि कमजोर विपक्ष है इस देश का, देश का सबसे कमजोर विपक्ष है ये कांग्रेस पार्टी, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से कमर कस चुकी है। विपक्ष जितने भी है हंगामा खड़ा कर चुके हैं और मोदी जी का जो ड्रामा को पूरा देश समझ चुका है, बच्चा बच्चा समझ चुका है। इसलिए आज देखिए तेल की कीमत प्रति बैरल जो ये रेट है वो कच्चे तेल का उसके अनुसार तो तेल 32 रुपए होना चाहिए था, 35 रुपए होना चाहिए था। तो फिर प्रधानमंत्री जी है कहाँ, स्मृति ईरानी जी कहाँ है, ये लोग जो ये डॉक्टर हर्षवर्धन कहाँ जो माता पे सिलेंडर लेकर के घूमते थे। घरेलू तेल इतना महंगा हो चुका है, तो ये कौन से अंबानी अडानी के और नीरव मोदी के राज लाना चाह रहे हैं। अरहर की दाल अब लोगों के पहुंच से बाहर। दूसरी चीज आपको बता रहा हूँ कि सम्मानीय देश के प्रधानमंत्री महोदय जी अक्सर कहते थे कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन यहाँ पे हो रहा है कि सबका साथ तो मिला देश का, लेकिन चंद लोगों का विकास हो रहा है इनके सरकार में, गवर्नमेंट में। अब देश के प्रधानमंत्री जी कम से कम इतना शर्म कर ले कि विपक्ष की कार्यवाही जो है तरीके से करे, देश हित में करे और जनहित में करे। लेकिन ये राजकुमार जी, आज जो है आप जो विरोध कर रहे हैं या हंगामा कर रहे हैं, जो जनता के सवालों को आज भी पीछे रखा गया, पीछे आज अगला सवाल यही था कि आप जासूसी करा रहे हैं। देखिए जासूसी तो इनकी पुरानी आदत है। आपको बता दें जब अंग्रेजों से इनकी लड़ाई चलती थी, आरएसएस संघ में जो थे पुराने लोग जो आरएसएस के फाउंडर मेंबर है, वो लोग तो जासूसी ही करते, उनकी जिंदगी गई। ये लोग मुखबिरी करते थे, जासूसी करते थे। वही हाल आज है कि किसी भी एक नेम फेम वाले व्यक्ति को आप सारा डेटा आप हैक कर सकते हैं, जासूसी कर करके। हम और भी जैसे मान लिया कि हम ही है, हम व्हाट्सएप पे वीडियोस पे किससे क्या बात कर रहे हैं। आप डेटा के अनुसार आप मेरा ये प्राइवेसी को खत्म कर दीजिएगा। तो ये हालात है इस सरकार में। इस सरकार में कोई भी सुरक्षित नहीं है, ना देश सुरक्षित है, ना जनता सुरक्षित। आपको एक बहुत अहम बात बताने जा रहा हूं कि जब से ये देश के प्रधानमंत्री बने तो बड़े बड़े सुनामी आए, देश त्राहिमाम हो गया, त्राही त्राही हो गया। आपको बता दें कि युवा नौजवानों को 2 करोड़ रोजगार की बात इन्होंने कहा, खैर पुरानी हो चुकी है वो, लेकिन 2 करोड़ रोजगार की बात, आज प्रतिवर्ष 2 करोड़ लोग घर बैठ रहे हैं। ये हालात है, ठीक है, कोरोना काल महामारी आई है, बीमारी आपदा आई है कोई, तो उससे पूरा देश लड़ रहा है, एक आप नहीं लड़ रहे। और आप जैसे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, एक आप 70 साल कांग्रेस को गाली बकते हैं, ठीक है 70 साल उन्होंने गलत ही किया, लेकिन आपने 7 साल में क्या किया? जो कांग्रेस पार्टी ने 7 साल में मतलब 70 साल में दिया, एसेट दिया, नहीं किया मतलब करके दिखाया, आपने उस 7 साल में उसे डबल करके दिखा दिए। महंगाई को एकदम आसमान छू रहा है। तो क्या साहब ड्रामा कर रखे हैं। ये आधुनिक भारत, IIT हुआ, ये IIM इलाहाबाद हुए, ये बहुत सारी चीजें आई, स्टील भेल, ये सब जितने भी है आप सबको बेच रहे हैं। लाल किला तो अंबानी अडानी को दे रहे हैं, इन लोग को सबको दे रहे हैं। तो ये क्या मजाक बना रखे हैं साहब। देश के प्रधानमंत्री के पद की भी गरिमा धीरे धीरे खत्म होती दिख रही है, जिस तरह से संसद में 2 दिनों से प्रधानमंत्री की बात भी कोई सुनने को तैयार नहीं है और हंगामा इतना ज्यादा होता है कि आज भी दूसरे दिन सदन की कार्यवाही नहीं चल सकी। जनता की गाढ़ी कमाई का जो पैसा है वो बेकार जा रहा है। इस पर सरकार को भी और विपक्षी दलों को भी सोचना चाहिए कि सदन की कार्यवाही कम से कम चल सके। लेकिन प्रधानमंत्री का विरोध लगातार हो रहा है और उम्मीद किया जा रहा है, जैसा कयास है, कि कल भी इसी तरह से सदन की कार्यवाही। माननीय प्रधानमंत्री जी को 2 मुख्य बिंदु पे लाया गया था, इशू पे, भ्रष्टाचार और महंगाई पे लाया गया था, और युवा नौजवान, देश के युवा नौजवानों को रोजगार के लिए, ये उनका वादा था। लेकिन सारे चीज में ये सरकार फेलवर रही है और ये प्रधानमंत्री जी की गरिमा खत्म हो चुकी है। अब सदन में सब लोग जो कर रहे हैं जनहित में आवाज उठा रहे हैं, उठाना भी चाहिए। विपक्ष की जो भूमिका है वो अदा करना चाहिए और मीडिया भी देश का जो चौथा स्तंभ है उस विपक्ष को ज्यादा से ज्यादा जनता के बीच में दिखाए और उस बात को ले जाए। चलिए, तो ये थी दूसरी खबर आज की। बढ़ते हैं तीसरी खबर की ओर। ये बिहार की राजनीति की एक बड़ी गर्म खबर है। तेजस्वी यादव अचानक दिल्ली गए हैं, हालांकि उनके पिताजी लालू प्रसाद यादव दिल्ली में स्वास्थ्य लाभ अपनी बेटी के घर पर रह के कर रहे हैं।
ऐसा ये ऐसी चर्चा है कि जैसे ही राबड़ी देवी के आवास में अलग से एक कमरे की व्यवस्था हो जाएगी तो लालू प्रसाद यादव बिहार में चले आएंगे। लेकिन उसके पहले ये खबर आई दो दिन पहले कि जगदानंद सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, वो तेज प्रताप यादव से कुछ नाराज चल रहे थे। लेकिन आज जगदानंद सिंह ने ये दो खुलासे किए। एक खुलासा तो उन्होंने किया कि तेज प्रताप यादव के छठी के समय ही उनकी मुलाकात लालू प्रसाद यादव से हुई थी, तो उस बच्चे को उन्होंने बचपन में गोद में खिलाया है और उससे कोई उनकी कोई नाराजगी नहीं है। यह कहते हुए उन्होंने कहा कि मैंने अभी पद में इस्तीफा देने की बात अभी इस पर कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि तेजस्वी यादव दिल्ली इसलिए पहुंचे कि उनको राजद का कार्यकारी अध्यक्ष बनाने का ऐलान अब जल्दी ही हो जाएगा। जगदानंद सिंह को इस काम में लगाया गया है और जगदानंद सिंह ने कहा है कि कोई भी काम समय पर होता है तो समय पर उसका ऐलान हो जाएगा। लेकिन उन्होंने महत्वपूर्ण बात यह कही कि भविष्य का नेता तेजस्वी ही है, भविष्य का सेनापति तेजस्वी ही है। राजकुमार जी, आप तो राजनीति में हैं, आप राजद के बीच जो राजद के अंदर जो चल रहा है उसके बारे में। जगता बाबू एक बहुत ही सुलझे हुए राजनेता है और वो जगता बाबू जो है सभी लोगों को राजनीति में सभी लोगों को देखा है, समझा है। रही जहां तक तेज प्रताप की बात है तो वाकई में उनके पूरे परिवार के बच्चे को, लालू यादव के जितने भी बच्चे हैं उनके सभी बच्चों को उन्होंने गोद में खिलाया है। तेज प्रताप राजनीति में उनको पिताजी के नाम पे और राबड़ी जी के नाम पे बहुत कुछ मिल गया, नहीं तो वैसे लोग रोड पे घूमते। संघर्ष तो कुछ देखा नहीं उन्होंने। दूसरी चीज है जो लालू यादव जी मतलब आरजेडी जो है अभी तेजस्वी यादव को कार्यकारी अध्यक्ष बनाने जा रही है, तो तेजस्वी यादव ही क्यों? अब तो भाई जगता बाबू तो कहेंगे ही कि अगर कुछ जिसको नहीं मिलेगा और उस लायक किसी को पार्टी में नहीं समझा जाएगा, कद्दावर नेता जो है उनको नहीं समझा जाएगा तो कहेंगे कि मेरा सेनापति वही है। लेकिन आपको सही बात बताऊं कि ये आरजेडी जो है सामाजिक न्याय की पार्टी रही है, दलित शोषित वंचितों की रही है, तो एक लंबे समय से लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव अब क्यों? वहां पे दलित नेता कोई क्यों नहीं? मुस्लिम वोट लिया है इन्होंने तो मुसलमान से अब्दुल बारी सिद्दीकी जैसे लोग क्यों नहीं? ये सवाल खड़े होते हैं। क्या ये लोकतांत्रिक पार्टी की जो लोकतंत्र में लोकतांत्रिक पार्टी की जो व्यवस्था है उसमें समय टाइम टू टाइम सभी की भागीदारी, जैसे बीजेपी में हमेशा एक नया चेहरा को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाता है, तो क्या आरजेडी उस तरह का कुछ परिवार की पार्टी हो गई? फिर वो भी तो परिवार उस तरह का कुछ एक नया चेहरा को बनाएंगे या परिवार में सिमट के रहेंगे? तो कुछ नहीं, ये बिल्कुल परिवार एंड पार्टी है और यादवों की ये पार्टी बन के रह गई है। लेकिन लालू प्रसाद यादव के आने से बिहार की राजनीति में हलचल तेज है। जदयू ने अपने संगठन को मजबूत करने के लिए उपेंद्र कुशवाहा को आगे किया है। उपेंद्र कुशवाहा इन दिनों बिहार के दौरे पर हैं और कल ही लौटकर उन्होंने, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात मुख्यमंत्री को इशारा उन्होंने किया था कि अफसरशाही से आम जन परेशान है और राजनीतिक कार्यकर्ता उनसे ये बात कह रहे हैं। तो एक उधर भी हम देख रहे हैं कि ये उम्मीद की जा सकती है कि उपेंद्र कुशवाहा को पार्टी का अध्यक्ष बनाएंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष लग रहा है। देखिए अभी जो बहुत बड़ा खेल हुआ है जदयू के अंदर कि आरसीपी सिंह का मंत्री बनना, वो ज्यादा दिन की मंत्री नहीं है मंत्रिमंडल, एक से डेढ़ साल 18 महीने की मंत्री है वो। लेकिन यहां पे कुछ और गेम था कि किसी एक तो पारस जी को तो नीतीश कुमार जी के कहने पे बनना ही था, लेकिन आरसीपी सिंह जी का कहीं मुझे लगता है अंदर खाने से जो खबर सूत्रों के अनुसार जो मिली है दिल्ली से लेकर के यहां तक और चर्चा का विषय भी है ये पूरा कि आरसीपी सिंह जी को मंत्री नहीं बनना था। अच्छा, और ये राष्ट्रीय अध्यक्ष होने का फायदा उठा गए, अपने पावर का उन्होंने पावर का इस्तेमाल किया। तो इसलिए कहीं ना कहीं इंटरनल कुछ मतभेद है और ये ललन सिंह जी का उपेंद्र कुशवाहा जी से मिलना, ये सब चीज खेलवेल चल रहा है। तो आपको बता दूं कि खेला तो इनकी पार्टी में ही चल रहा है। उपेंद्र कुशवाहा जी को अगर नीतीश कुमार जी राष्ट्रीय अध्यक्ष देते हैं तो अभी कुर्मी जाति से ये आरसीपी सिंह जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना रखे थे, मुख्यमंत्री खुद कुर्मी जाति से हैं, फिर उपेंद्र कुशवाहा को कुशवाहा जाति से, तो कुर्मी कुशवाहा धानुक की तो पार्टी ही है। तो सभी लोग जातीय राजनीति में संलिप्त हैं और
वहां क्या ललन सिंह नहीं है, वहां क्या और भी बड़े बड़े कद्दावर नेता नहीं है, तो उनको क्यों नहीं जगह दिया जा रहा है? तो ठीक है, उपेंद्र कुशवाहा जी एक सुलझे हुए राजनेता भी है, अगर उनको पार्टी दायित्व देती है तो हो सकता है वो अपने तरीके से निभाएंगे। चलिए, बिहार की राजनीति गर्म है इस समय और इस राजनीति पर हमारी नजर आगे भी बनी रहेगी। बढ़ते हैं एक दूसरी खबर की ओर, ये थोड़ी आपको मायूस करने वाली खबर है कि पूरे बिहार में अब बसों का और जो यात्री किराया है वो कल से या परसों से एक दो दिन में ही ये किराया बढ़ जाएगा, 30-35% बढ़ाने की बात होगी है। बिहार मोटर फेडरेशन जो है, ट्रांसपोर्ट मोटर फेडरेशन की प्रदेश कमेटी ने यह तय किया है कि बिहार में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के कारण बसों का भाड़ा बढ़ा दिया जाएगा और 30-35% बसों का भाड़ा बढ़ जाए, ये 35% तक वृद्धि हो सकती है। करें कि 2018 से अभी तक कोई वृद्धि नहीं हुई है तो अब इसको करना ही पड़ेगा। आपको क्या लगता है ये आम जन के जेब पर फिर एक बोझ पड़ने वाली? देखिए, पेट्रोल डीजल का जो बोझ पड़ा, घरेलू रसोई सामग्री पे जो दाम बढ़े उसके अनुसार ये मार जो है जनता सह नहीं पा रही है, और अब किराया पे जो बोझ बढ़ाया जा रहा है तो एक आम आदमी अब सफर मोटरसाइकिल से भी करने के लिए सोचेंगे, सोच रहे हैं वो। रही बातें बस और ऑटो किराया की, तो अभी मैं आप ही के साथ मैं एक डिबेट में बैठा हुआ था, उस समय भी किराया बढ़ाए गए थे। तो ये जो सारा चीज सरकार का जो तांडव है, बिहार की जनता को इतना ना पॉकेट ढीला कर देगी ये सरकार, क्योंकि केंद्र में मोदी सरकार महंगाई की मार और बिहार में नीतीश सरकार। अगर सीखना है तो बंगाल की ममता बनर्जी सरकार से सीखो कि हम 5 स्टेशन भी मेट्रो का क्रॉस कर जाते हैं तो वहां पे 5 रुपया में चले जाते हैं, वहां पे 5 रुपया 10 रुपया में बहुत लंबी लंबी दूरी बसों में तय कर लेते हैं, ऑटो में टैक्सी इतनी सस्ती है कुछ करने लायक। लेकिन यहाँ बिहार की सरकार बसें अच्छी वातानुकूलित दिखा रहे हैं लेकिन उसको सही ढंग से सुचारू ढंग से चला कहां रही है? चला नहीं रहे, बिल्कुल बिल्कुल। वो वहां भी ठेका पट्टा शुरू कर रखे हैं ये। दूसरी चीजें, जितने भी ऑटो चालक हैं वो परेशान हैं, तो उन लोग की पहले परेशानी को देखते हुए मैनेजमेंट इनका सरकार का गवर्नमेंट का सही नहीं है। जैसे हेल्थ व्यवस्था के बारे में बताया, इनका ट्रांसपोर्ट विभाग भी उसी हालात में है। देश का सबसे अगर रैंकिंग किया जाए, देश का नंबर 1 और ये चीज देखा जाए तो भारतवर्ष में सबसे निचले पदान पे इनका ट्रांसपोर्ट विभाग भी है, और इसीलिए निजी क्षेत्र के लोग हावी रहते हैं और उन अपनी मन से भाड़ा और किराया वो तय करते हैं। भाड़ा में सर ये बता दें, बसों में ये माफिया गिरी है, बाहुबलियों का राज है इसमें, बिल्कुल सरकार का उसमें कोई दबाव नहीं है। उदय प्रताप सिंह जो बिहार मोटर ट्रांसपोर्ट फेडरेशन के अध्यक्ष हैं, उन्होंने ऐलान किया है कि इसी जुलाई महीने में भी, अब से मात्र 1 सप्ताह ही बच गया जुलाई महीने में, लेकिन जुलाई महीने में ही बसों का किराया बढ़ा दिया जाएगा। तो बसों का किराया बढ़ते ही ऑटो रिक्शा और बाकी जो यात्री किराया वो सब बढ़ जाएगा। रवि जी साहब, एक बात मैं कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि अभी भी बिहार में गरीबी इतना है और दिल्ली की तरह कलकत्ता की तरह ये जो माइंडसेट है ना, बदला नहीं है। अगर 2 रुपये भी बढ़े ना, ऑटो वाले लोगों से 2 रुपये के लिए बहस करने लगते हैं। ये हालात है तो सरकार को गंभीरता से सोचनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, बसों का किराया और ऑटो रिक्शा का किराया तो बढ़ेगा, आम आदमी के जेब पर एक और बोझ बढ़ेगी, इससे लोगों की मुश्किलें बढ़ेंगी और ज़रूरी चीज़ों के सामान उनकी कीमतें भी और बढ़ जाएंगी। लेकिन उसके साथ बिहार में तबाही इस समय मची हुई है बाढ़ से। पिछले 2 दिनों में जो लगातार बारिश हुई है, नेपाल की तराई में जो लगातार झमाझम बारिश हो रही है, उसके कारण उत्तर बिहार की तमाम नदियां उफान पर हैं। बागमती हो, लखनदेई हो, बूढ़ी गंडक हो, गंडक हो, और आपको कोशी नदी हो, ये सब नदियां एक कमला बलान की भी है, ये सभी नदियाँ उफान पर हैं। और बिहार के गोपालगंज जिले में, पश्चिम चंपारण जिले में, सारण और सिवान जिले में, मुजफ्फरपुर जिले में कई इलाके ऐसे हैं जो बाढ़ की तबाही से परेशान हलकान हैं। राज्य सरकार के मुखिया नीतीश कुमार लगातार हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज से बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा कर रहे हैं, जरूरी निर्देश भी दे रहे हैं, लेकिन लोगों की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही। मौसम विभाग ने यह दावा किया है कि अगले 24 घंटों में उत्तर प्रदेश और बिहार के विभिन्न जिलों में, कई जिलों में तेज बारिश हो सकती है, तो इस बारिश से और तबाही बढ़ने वाली है। तो बिहार के कई जिले
जो तबाह बर्बाद हो रहे हैं, लोगों के कच्चे मकान ध्वस्त हुए हैं, कई पक्के मकान भी, स्कूल भवन, ये पंचायत भवन, ये सब पानी में समा गए हैं। लोग ऊंची जगहों पर शरण लिए हुए हैं, लेकिन उनके ऊपर छत नहीं है, उनके लिए भोजन की व्यवस्था अभी तक नहीं हो पाई है। बहुत परेशानी में बिहार जी रहा है। राजकुमार जी संसदीय क्षेत्र का दौरा करके आए हैं, उनके इलाके में भी, वैशाली के इलाके में बाढ़ का इलाका है, वहाँ भी लोग पानी से परेशान हैं। आप तो पूरे इलाके को घूम कर आए हैं, क्या स्थिति है बिहार में? देखिए, हमारे जो वैशाली जिला जो है, हाजीपुर संसदीय क्षेत्र में जो निचली तराई है जिसको चौर कहते हैं, जो गंगा से सटी हुए, उधर बहुत बृहद पैमाने पर पानी घुस चुका है। और जरुआ जो शहरी इलाका है, जो जस्ट किनारे है, वहाँ पे भी पानी इतनी घुस गई है कि उस किनारे वाले, गंगा किनारे वाले लोग वहाँ से छोड़ करके किराए पे रहने के लिए मजबूर हैं, दूसरी जगह पलायन कर, बड़ी संख्या में लोग पलायन कर रहे हैं। मैं बाढ़ के संदर्भ में, बिहार के बाढ़ग्रस्त क्षेत्र जो है, उस संदर्भ में मैं यही कहना चाहता हूँ कि श्री बाबू से लेकर के जितने भी मुख्यमंत्री बने, क्या उनके पास विजन नहीं है कि बाढ़ नेपाल के जो डैम पे है, चाहे वो पानी छोड़ने की जो प्रक्रिया है उससे निपटा जाए? ये आज बाढ़ के नाम पे, आपदा के नाम पे, बाढ़ के नाम पे इतनी राहत, मतलब कि बाढ़ राहत कोष से इतने पैसा खर्च किया जाता है सरकार के द्वारा, और उसमें इतना महालूट होती है, कुछ करने लायक नहीं। अगर सही ढंग से, व्यवस्थित रूप से, जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद साहब ने कहा था कि गंगा को, नदी को गंगा से जोड़ो, गंगा को समुद्र से जोड़ो, तो अगर यहाँ भी उस एक साइकिल में उनके विजन को अगर लागू किया जाता, क्योंकि बहुत बार जब एपीजे अब्दुल कलाम साहब जिंदा थे तो सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय बहुत बार नीतीश कुमार जी उनको बुलाया और बहुत सारा आइडियाज लिया उन्होंने, लेकिन उन आइडियाज में सिर्फ बिल्डिंग्स और रोड पे ही ये काम कर रहे हैं, ये बाढ़ पे नहीं किया, पानी पे नहीं किया, और जहां पे जो लूट हो सकती है ना, वो सब काम हुए लोगों की। लेकिन अपनी जगह, लेकिन अगर सही मायने में बाढ़ पे जितनी पैसा खर्च हो चुके हैं श्री बाबू से लेकर के अभी नीतीश कुमार तक, तो देखा जाए कि नेपाल का जो डैम है ना, वैसे वैसे 10 डैम बन जाते हैं पानी रोकने के लिए, लेकिन ऐसा काम नहीं हुआ। हमेशा जो भी मुख्यमंत्री आ रहे हैं, बिहार के लोगों के लिए नहीं सोचते, उस व्यवस्था के लिए नहीं सोचते हैं कि बिहार के लोगों को अमन चैन शांति की जिंदगी दें, पानी से बचाव हो, भुखमरी से बचाव हो, किसानी व्यवस्था बेहतर हो, उसके लिए नहीं। अगर उसी पानी को किसानी व्यवस्था के लिए स्टोरेज किया जाए और ये जो सूखा भूमि है उधर तक पानी पहुंचाया जाए, तो ये बाढ़ की समस्या निश्चित रूप से। एक बात बताते हुए कि ये मीडिया में ये लगातार खबरें चलती हैं और चलती रही हैं कि नेपाल ने इतना पानी छोड़ दिया, नेपाल से 3 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा, नेपाल से इतना पानी छोड़ा, और ये भ्रामक खबर है, और ये नेपाल के पास पानी रखने और छोड़ने का कोई जगह नहीं है, तो नेपाल कोई पानी छोड़ता नहीं है। हमारे बिहार में ही वो जो 2 डैम बने हैं, एक वाल्मीकि नगर में और एक उधर बीरपुर बराज, ये 2 बराज वो बिहार के हैं, बिहार सरकार का और केंद्र सरकार का है, और पानी रखने और छोड़ने का काम हमारी सरकार ही करती है। नेपाल से ना कोई पानी छोड़ा जाता है, ना कोई वहाँ पानी रोक के रखता है। नेपाल की तराई में, हिमालय की तराई में अगर बारिश होगी तो पहाड़ों से बह के मैदानी क्षेत्र में ही आएगा, और बिहार चूँकि बिल्कुल नेपाल से सटा हुआ मैदानी इलाका है, तो बिहार में बाढ़ की नौबत आ जाती है। कोसी 7 नदियों के मिलने से बड़ी, एक बिहार का शोक इसको कहा जाता रहा है, और कोसी पर कितने सालों से ये सरकारें काम करती हैं। कोसी में सिल्ट इतना भर गया, बूढ़ी गंडक में सिल्ट इतना भर गया, गंडक में सिल्ट भर गया, बागमती, कमला बलान, लखनदेई, ये सब नदियाँ इनमें सिल्ट भरा हुआ है, और अब उनके दोनों तरफ जो गांव बसे हैं उन गांवों में पानी भर जाता है, जो पानी 6-6 महीने तक बाहर नहीं निकल पाता। सरकार के पास न तो कोई नीति है और न कोई योजना है। हर साल लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर दिए जाते हैं कि हम बाढ़ से लोगों को बचा रहे हैं, लेकिन फिर बाढ़ एक बार आ जाती है और लोगों की जिंदगी तबाह बर्बाद हो जाती है। इस बार भी हो रही है। आपको लगता है ये सरकारें जो हैं, एक तो एम्बैंकमेंट का जो बांध बनाने का जो है वो और दूसरा नदियों का शिल्ट बाहर करने का, देखिए बिहार में ऐसे इंजीनियर्स लोग हैं कि वो लोग सिर्फ पैसा कमाना जानते हैं, उनको ये नहीं पता है कि जो विंड्स आएंगे, चाहे वाटर प्रेशर होगा, उससे हमको कितने मोटा सरिया लगाना है। ये रिसर्च बिहार में नहीं होता, नहीं होता। ये रिसर्च जापान्स टेक्नोलॉजी को लाते हैं लोग,
आपको बता दें कि बहुत सारा ब्रिज घटना घटी है, यहाँ के जो इंजीनियर्स बनाए हैं तो बहुत सारे ब्रिज बह जा रहा है, बहुत सारे ब्रिज गिर जा रहे हैं, आखिर क्यों? तो इंजीनियर्स स्किल नहीं है, लोग तो पढ़ लिए, डिग्री लिए आए, यहाँ पे कैसे एग्जाम होता था मुझे मालूम है, तो आपको मैं देख चुका हूं, तो इसलिए यहाँ पे ये टेक्निकल जो इंजीनियर्स है ना उन पे भी सवालिया निशान होता है कि अगर सरकार उसको ट्रेनिंग के लिए फॉरेन नहीं भेजते हैं। तो रही बात है कि जो बिहार में बाढ़ ग्रस्त एरिया है, जो अपने गांव छोड़ करके दूसरे प्रदेशों में जा रहे हैं, मतलब कि एक गांव से दूसरे गांव जा रहे हैं, वो लोगों के साथ कितनी मजबूरी है, कितनी दयनीय स्थिति, न खाने का ठीक, न सोने का ठीक, न रहने का ठीक। हर साल वो घर बनाते हैं और घर पानी में चला जाता है, हर साल उनकी जमीन कट के नदियों में चली जा रही है। हमारे संसदीय क्षेत्र हाजीपुर लोकसभा संसदीय क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, अभी बाढ़ से लोग त्राहिमाम है, लेकिन वहाँ के सांसद महोदय पशुपति कुमार पारस जी कहीं नहीं दिख रहे, वहाँ के 8 MLA कहीं नहीं दिख रहे, सब लोग पटना में सोए हुए, दिल्ली में सोए हुए, साहब वहाँ जाके देखिए तो क्या हालात है गरीबों का। तो चलिए बिहार की, उत्तर बिहार की खास तौर पे तमाम नदियां उफान मार रही हैं, कमला बलान, लखनदेई, बागमती, कोशी, गंडक, बूढ़ी गंडक, ये तमाम नदियां बाढ़ की नौबत है, बाढ़ से हाहाकार है, सरकार को चेतने और सजग होने की ज़रूरत है। ये हर साल बाढ़ की जो त्रासदी आती है उस पर सरकार को चिंतन करने की ज़रूरत है और बिहार को बाढ़ से बचाने की ज़रूरत है। इसी के साथ खत्म होता है हमारा आज का ये कार्यक्रम। फेसबुक लाइव से आप जुड़े, आपको मैं आग्रह करूंगा कि हर रोज शाम को 5 बजे दिन भर की 5 बड़ी खबरों के साथ हम हाजिर होते हैं, फेसबुक लाइव से जुड़ते हैं, आप भी जुड़िए हमारे साथ, अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, इस चर्चा में आप भी शामिल होइए और चर्चा को और मजबूत बनाइए। हम आपको ये बताते चलते हैं कि विमर्श न्यूज़ लाइव का अपना यूट्यूब चैनल भी है, आप यूट्यूब चैनल पर जाइए, अगर आपने उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे दबाइए, हर रोज इंफॉर्मेटिव खबरें आपको मिलती रहेंगी। इसी के साथ आज इजाजत दीजिए, नमस्कार।